इंटरनल पॉलिटिकल कनेक्शन में हम अब तक अपने चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्रवाद हमने समझा था कि जो अपने देश के लिए मर मिटने की चाह रखता हो, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ कर गुजरने की चाह रखता हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अब सब लड़ने की मरने की का मतलब ये नहीं है कि वो कर सकता है तो ही राष्ट्रवाद होगा। अगर आप संविधान का पालन कर रहे हैं, अपने कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो भी इसे राष्ट्रवाद हम कहेंगे। ठीक है, उसी के बाद हमने पढ़ा था राष्ट्र कि राष्ट्र क्या होता है, कि अब राष्ट्र किससे बनता है, लोगों से बनता है। तो लोगों के जो समुदाय हैं उनसे क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। अब राष्ट्र के बाद हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्र की मान्यता है कि लोगों की क्या सोच है राष्ट्र को लेकर, वो क्या समझ रखते हैं राष्ट्र को लेकर, वो हम समझेंगे। पहला है सांझे विश्वास। अब सांझे विश्वास का क्या मतलब है? सांझे विश्वास से मतलब है कि हमें क्या होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हैं, तभी एक राष्ट्र बन सकता है, तभी एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। तो एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक रह सकता है जब एक दूसरे पर विश्वास करें। जब वो एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे के साथ ही बनेंगे, तभी क्या एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। अब जैसे कि हम एक क्रिकेट टीम को ही देख लें, तो क्रिकेट टीम में क्या होता है कि वो जो प्लेयर होते हैं उन सबको एक दूसरे पर विश्वास रखना होता है, और जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है उसे क्या होता है, सब पर विश्वास होता है कि सब अपना अच्छा अच्छा बेस्ट देंगे, सब अच्छे से खेलेंगे। और वो जो कैप्टन होता है वो पूरी टीम को बढ़ाने की कोशिश करता है, ना कि एक इंसान को, ना कि सिंगल पर्सन को। वो सोचता है कि मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, इसी को बढ़ावा दूं, नहीं, वो सबके बारे में सोचता है कि सबको अच्छे से खेले, तभी तो एक टीम बन पाएगी। अब हर कोई सोचे कि मैं आगे आगे बढ़ूं सिर्फ और बाकी पीछे रहे, तो ऐसे तो टीम बनेगी नहीं, ऐसे तो टीम टूट जाएगी। तो इसमें क्या है, एक दूसरे पर विश्वास होगा तभी एक अच्छी टीम बन सकती है। ऐसे ही रास्ते में लोगों के साथ है कि जब वो एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे कि जरूरत पड़ने पर जब भी किसी को मदद होगी तो हम उसका साथ देंगे, तो तभी क्या एक राष्ट्र बन सकता है। तो ये क्या है, सांझे विश्वास। इसी के बाद है इतिहास, मतलब किंवदंतियां, स्मृतियां और इमारतें। अब इतिहास से क्या है कि जो हम लोग हैं अपने आप को इतिहास से भी जोड़ के देखते हैं। कैसे जोड़ के देखते हैं, कि जैसे कि एलोरा केव्स है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, ये सब क्या है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। अब इन ऐतिहासिक इमारतों की जो बनावटी है, जो बनावट शैली है, उसकी सभ्यता है, संस्कृति है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम ऐतिहासिक चीजों से जुड़ते हैं ना, अपने पुराने जो इतिहास हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं, हमें उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस होता ही है, हम उनसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो राष्ट्र के प्रति क्या, इतिहास का होना भी बहुत जरूरी है। इसी के बाद थर्ड, भू क्षेत्र। किसी भू क्षेत्र पर साथ साथ रहना और अतीत की स्मृतियां एवं सामूहिक पहचान का अनुभव होना, कि अब आप भू क्षेत्र मतलब जहाँ आप रहते हैं वो भू क्षेत्र, अब जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते हो तो आप कई लंबे समय से किसी जगह पर रहते आ रहे हो, तो वहां के लोगों से आपको जुड़ाव हो जाएगा, वहां की जगह से आपको प्यार हो जाएगा, आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहोगे अब, क्योंकि अब आप इतने लंबे समय से वहां पे रहते आ रहे हो, तो वहां पे आपकी कुछ ऐसी यादें बन गई हैं जिनकी वजह से आप अपना जुड़ाव महसूस करते हो, उस क्षेत्र से अपना खुद को जोड़ के देखते हो। तो क्या है, वो एक आपको उस क्षेत्र के प्रति प्यार हो जाता है। तो आपको क्या रहता है कि अगर कल को कोई इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे बचाएंगे, क्योंकि आप उसे रह उस जगह रह रहे हो, तो आपको उस क्षेत्र से प्यार है। तो ऐसे राष्ट्र के प्रति है कि अगर आप उस राष्ट्र में लंबे समय से ऐसे रहते आ रहे हो तो आपको उस राष्ट्र के प्रति इतना प्यार है कि अगर कल को कोई उस पर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहोगे, कि किसी भी तरह हम अपने राष्ट्र को टूटने नहीं देंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से ये हमारा जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, प्रेम है। ठीक है, इसी के बाद आता है हमारा साझे राजनीतिक आदर्श। अब जो ये साझे राजनीतिक आदर्श है इसमें क्या है, सबके मतलब इतिहास और भू क्षेत्र ये क्या है, सबके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको इससे जोड़ के देख सकते हैं कि सांझे राजनीतिक आदर्श मतलब सबके राजनीतिक आदर्श। अब जो भू क्षेत्र है, जो इतिहास है, जो भी जो जगह है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताई इमारतें हैं ऐतिहासिक, वो सब क्या किसी एक की तो है नहीं, सबकी है, तो मतलब सांझा है, सांझा मतलब सबका, तो सबका है, तो सब एक दूसरे से जुड़ के देखते हैं। अब सब उस एक दूसरे से जुड़ के देख रहे हैं, एक दूसरे को साथ साथ दे रहे हैं, तो हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़ के देख रहे हैं। तो अब उसमें कौन आ रहा है, लोग ही तो आ रहे हैं, तो अब वो लोग उस राष्ट्र को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस तरीके का रखना चाहते हैं, वो वहां पर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का राज्य चाहते हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद, वो किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
तो इसमें क्या रहेगा कि आपको देखना है कि जो लोगों की पहचान है वो किसी एक भाषा को, धर्म को ना लेकर एक सबको राजनीतिक पहचान दी जाए, जिससे कि एक ही सबकी पहचान रहे, एक ही सबकी आइडेंटिटी रहे। ये ना हो कि कोई अपने धर्म को अलग बताए, कोई अपने धर्म को बताए। तो इसमें क्या, अलग अलग धर्म को बताएंगे तो लोग ऐसे बट जाएंगे, तो लोगों में प्रेम भावना रहेगी नहीं। तो अगर सबको एक पहचान दे दी जाए, सबको एक जैसी पहचान हो, तो किसी में कोई अंतर रहेगा नहीं, सब एक बराबर होगा। तो फिर क्या, ऐसे राष्ट्र हम कैसे बना सकते हैं, जब लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष, उदारवाद, ये सब चीजें होंगी, तभी हम एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। इसी के बाद सांझी राजनीतिक पहचान, कि सांझी राजनीतिक पहचान कैसी होनी चाहिए, कि अगर सबको एक रास्ते के, मतलब जो रास्ते के लोग हैं, सभी को एक ही डोर में बांध देंगे, मतलब एक ही समान रूप से सबको हम कर देंगे, तो क्या होगा, सबकी सांझी राजनीतिक पहचान बन जाएगी। मतलब सबकी एक जैसी पहचान सांझी राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति को एक रास्ते में बांध देती है, कि जब सबकी एक जैसी राजनीतिक दृष्टि होगी तो लोगों क्या है, एक रास्ते में बांधना आसान हो जाएगा। अब जहां पर भाषा, धर्म, संस्कृति अगर देखें, किसी एक धर्म, एक जैसे धर्म की होगी, वहां पे तो सबको लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि सब एक समान धर्म के हैं, एक जैसे छुट्टियां होंगी, एक जैसे त्योहार होंगे सबके, तो वहां तो ठीक है, जहाँ पे सब सब कुछ समान है, एक जैसे धर्म है, एक जैसी संस्कृति है। लेकिन अब इतने बड़े देश में विविधता तो रहेगी, वैरायटी तो होगी, एक जैसे धर्म के तो लोग होंगे नहीं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अब अलग अलग जगह रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग, तो उसमें क्या, अब विविधता आ गई, तो कहीं ना कहीं टकराव तो हो गई। जहाँ समान धर्म के लोग हैं वहां तो कोई टकराव होगा नहीं, लेकिन जहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं वहां तो टकराव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि संविधान ने क्या करा, सभी धर्मों को एक जैसा बांध दिया, कि एक जैसा बता दिया कि कोई भी धर्म अलग अलग नहीं है, सब धर्म एक जैसे हैं। तो जिससे कि वो क्या बन सके, राजनीतिक पहचान बन सके, सांझी वो सबकी बन सके। ऐसा ना हो कि किसी एक भाषा, धर्म को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रख दिया और किसी को बिल्कुल ही दबे कुचले पहुंचा दिया, ऐसे नहीं करा, सबको क्या करा, संविधान के तौर पर सबको बराबर कर दिया गया, जिसकी वजह से सबकी एक सांझी राजनीतिक पहचान बन पाई। आई थिंक आपको एक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।